न्यूज तक अब नए अंदाज में। एक औरत आके बोल रही है कि सिखों को मच्छर के जैसे मारा, तो आज जिसे तू मच्छर कह रही है वो शेर तेरे घर के बाहर आए हैं। खालिस्तानी बोला जाता है हर वक्त, हमें तो एक बात की समझ नहीं आती, जब सिख लंगर लगाते हैं तो तभी ये खालिस्तानी नहीं होते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन विवादों में घिरी रहती हैं और हर दिन अपने बयानों के चलते वो कई बार विवाद खड़े कर ही देती हैं। अब शायद ये उनके लिए आम बात हो गई है, लेकिन बीते दिनों उन्होंने सिख समुदाय को लेकर जो बयान दिया वो सिखों के लिए बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर किए उनके विवादित पोस्ट के चलते मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में भी कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। इतना ही नहीं, कंगना के इस पोस्ट को लेकर सिख समुदाय के कुछ लोगों में इतना गुस्सा है कि कुछ लोग मुलुंड स्थित कंगना के घर के बाहर उन्हें चैलेंज देने पहुंच गए हैं। क्या है पूरा विवाद, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले सुनिए कंगना के बयान पर भड़के हुए सिख आखिर कह क्या रहे हैं। एक ही मांग है, ये जो कंगना ने कहा था कि सिखों को मच्छर के जैसे इंदिरा गांधी ने मारा था। अरे तुम इंदिरा गांधी की बात करते हो, आज पूरा कांग्रेस परिवार, भले वो सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो, आज तक सिखों से माफी मांगते हैं 1984 के कत्लेआम के पीछे। तो ये कंगना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा दो टके की, क्योंकि ये दो टके की भी नहीं है, ये कंगना जैसे एक औरत आके बोल रही है कि सिखों को मच्छर के जैसे मारा, तो आज जिसे तू मच्छर कह रही है वो शेर तेरे घर के बाहर आए है। तुझ में हिम्मत है, तू भी आ जा, देख लेंगे, या तो आज तू नहीं या तो आज हम नहीं। ये खालिस्तानी बोला जाता है हर वक्त, हमें तो एक बात की समझ नहीं आती, जब सिख लंगर लगाते हैं तो तभी ये खालिस्तानी नहीं होते हैं, और वैसे ये खालिस्तानी हो जाते हैं, वो माफी मांगे सिखों से। जैसा कि आपने सुना कि कंगना ने बीते शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिखों को मच्छरों की तरह कुचल दिया था। अब उनके इस बयान के चलते सिख समुदाय गुस्से से आग बबूला हो गया है। कुछ लोग तो कंगना के घर के बाहर प्रदर्शन करने तक पहुंच गए हैं, तो वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि कंगना पिछले काफी वक्त से किसानों के खिलाफ, किसानों की महिलाओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है उसे लेकर खार पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कंगना रनावत जो जहर उगलती उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए। बार बार पहले उसने किसानों की माताओं को 100-100 रुपये पे बिकाऊ बताया, अब उसने कहा कि प्रधानमंत्री से आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने आर्म ट्विस्टिंग करा के वापस केस कराए। ये प्रधानमंत्री जी की गरिमा को भी बहुत बड़ी चोट है, उस कुर्सी को भी। और फिर ये कहा कि एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने इनको पैरों के नीचे कुचला, जूते के नीचे कुचला, मच्छर की तरह कुचला, और ऐसे ही इनके साथ बर्ताव होना चाहिए। ये जो है ये बहुत बड़ी नफरत है, ये हेट है, और ये ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, इनके FIR लॉन्च करके अरेस्ट करे ताकि इसको सबक सिखाया जा सके। अगर ये मेंटली रिटार्डेड है तो इसका हॉस्पिटल में इलाज मेंटल हॉस्पिटल में कराया जाए, अगर ये ड्रग्स लेती है तो इसका नशा छुड़वाया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज करके तो इसका इलाज कराया जाए परमानेंटली। हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यही नहीं, कंगना के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि कंगना ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई थी। इसमें लिखा था कि खालिस्तानी आंदोलन के उदय के साथ आपकी कहानी पहले से ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है। इसमें उन्होंने आगे लिखा, बहुत जल्द आपके लिए ला रही हूँ #emergency। आपको बता दें कि कंगना इन दिनों इमरजेंसी नाम की फिल्म पर काम कर रही है, शायद इसीलिए उन्होंने अपने पोस्ट में फिल्म के नाम को लेकर इशारा भी दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना के इन विवादित बयान जो है वो कहाँ आकर थमते हैं। क्या कंगना थमेगी अपने विवादित बयान को लेकर, या फिर सिख समुदाय और ज्यादा रोष में आ जाकर कोई और नया कदम उठाता है उनके खिलाफ। लेकिन हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आप न्यूज तक को बिल्कुल नए अंदाज में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कीर्ति, और कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण शांडिल्य।